नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी विद डॉक्टर गजेंद्र में। इससे पहले हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है, लास्ट क्लास में। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो उसी का एक पार्ट है, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, ठीक है। हाँ दोस्तों, कुछ बात बोलनी थी आपको टॉपिक शुरू करने से पहले कि मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर बहुत कम है और एक वॉच टाइम होता है वो भी कम है। अगर ये मेरा सब्सक्राइबर कम ही रहे तो शायद मेरा चैनल यूट्यूब की तरफ से बंद हो जाएगा, शायद ऐसी पॉलिसी आई है अभी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल को देखना चाहते हो, पसंद करते हो मेरे वीडियोस को, आप चाहते हो कि कंप्लीट बायोलॉजी जो है, जो टोटल टॉपिक्स जो हैं बायोलॉजी के, वो सारे टॉपिक मैं कवर कराऊं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और उससे भी इम्पोर्टेंट काम है इसको, वीडियोस को शेयर करना, क्योंकि जितने ज़्यादा शेयर होंगे उतने ही मेरे लाइक्स और उतने ही मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। जब सब्सक्राइबर 1000 हो जाएंगे तब कोई दिक्कत नहीं रहेगी, फिर आपके चाहो आपका मन करे तो लाइक करना, नहीं मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलो शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, देखो ओवरी एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल के अंदर। फंक्शन क्या है इसका? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। गैमेट कौन सा? ओवम। ओवम क्या होता है? हैप्लोइड होता है, ठीक है दोस्तों। कौन से मैकेनिज्म के थ्रू? गैमेटोजेनेसिस या ओजेनेसिस, ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम ओजेनेसिस क्या होता है। इस क्लास में हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। एक मैंने स्फेरिकल स्ट्रक्चर बताई थी लास्ट क्लास में, 2 से 4 सेंटीमीटर उसका साइज होता है, ठीक है। ओवरी के अंदर आपने देखा था, इस तरह से मैंने एक ओवरी बनाई थी। ओवरी के अंदर आउटर पार्ट जो होता है ये वाला, इसको कहते हैं कॉर्टेक्स, और इनर जो पार्ट है इसे क्या बोलेंगे हम? स्ट्रोमा, मेडुला, ठीक है। इनर पार्ट होता है मेडुला, और मेडुला के अंदर जो लिक्विड होता है उसे क्या बोलते हैं? लिक्विड को स्ट्रोमा, ठीक है। आउटर पार्ट कॉर्टेक्स, इनर पार्ट मेडुला। तो ये डायग्राम जो जो बोर्ड है, इस बोर्ड को आप ओवरी मान सकते हो, ये एक पूरी ओवरी है, एक पूरा अंडाशय है, ठीक है। और इस अंडाशय के मैंने चारों तरफ ये डायग्राम बनाए हैं, ये मान के चलना कि ये पेरिफेरल साइड में या थोड़ा आउटर साइड में ये हो रहा प्रोसेस, मतलब ये जो प्रोसेस हो रहा है ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है? कॉर्टेक्स में हो रहा है, पहले पॉइंट। मिडिल पार्ट मैंने ब्लैंक छोड़ रखा है, मतलब ये स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा में क्या होती है? फॉलिकुलर सेल्स होती हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, हॉर्मोन्स वगैरह, कुछ प्रोटीन्स वगैरह होती है, ठीक है, कुछ टिश्यूज वगैरह होते हैं, तो जो हेल्प करते हैं गैमेट फॉर्मेशन में, गैमेटोजेनेसिस में, ओजेनेसिस में जो हेल्प करते हैं, वो सारा सारा मटेरियल कहाँ पे होगा? स्ट्रोमा में प्रेजेंट होगा। तो इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में तो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, ठीक है। आज हम इसका टीएस काट के देख रहे हैं। एक ओवरी है, उस ओवरी को हमने ट्रांसवर्स सेक्शन ले लिया, टीएस काट लिया, क्या दिखेगा वो देखते हैं। देखो सबसे पहले स्ट्रक्चर है प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स, स्ट्रोमा सेल्स है, इन स्ट्रोमा सेल्स से प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स बनते हैं। इससे पहले मैंने पढ़ाया था प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स या जर्मिनल सेल्स। जर्मिनल सेल्स क्या बनाएगी? उगोनिया, ठीक है, मतलब इन सेल्स में क्या है? उगोनिया प्रेजेंट होते हैं, ये ध्यान रखना। ओवरी के अंदर क्या है? उगोनिया प्रेजेंट, प्राइमरी फॉलिकल या प्रीमोर्डियल फॉलिकल बोलते हैं। इन फॉलिकल्स के चारों तरफ क्या होगा? फॉलिकुलर सेल्स जो है स्ट्रोमा से, यहां से फॉलिकुलर सेल्स जो होती है वो इसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाएगी। फॉलिकुलर सेल्स सराउंडेड बाई, जो सेल्स लिख रखा है ना मैंने, ये फॉलिकुलर सेल्स है वैसे, ठीक है। फॉलिकुलर सेल्स सराउंडेड बाई फॉलिकुलर सेल्स ऑफ स्ट्रोमा, स्ट्रोमा से फॉलिकुलर सेल्स है वो इसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाएगी, इसे क्या बोलेंगे हम? देखो ये क्या है? फॉलिकुलर सेल्स है। अंदर क्या है? प्राइमरी ओसाइट या ओसाइट, अब ये मैच्योर हो चुका है तो ओसाइट बन चुका है, ठीक है।
और इस ओसाइट के बाहर और फॉलिकुलर सेल्स के अंदर बीच में एक लाइन दे रखी है, ये कवरिंग है। इस कवरिंग को बोलेंगे हम जोना पेल्यूसीडा, जोना पेल्यूसीडा, ठीक है। मतलब जोना पेल्यूसीडा के अंदर की तरफ तो क्या है, प्राइमरी ओसाइट है, और बाहर की तरफ क्या है, फॉलिकुलर सेल्स है। आगे चलते हैं। ये जो फॉलिकुलर सेल्स है ये कोलमनर एपिथेलियम की बनी होती है। आगे जब आप टिश्यूज पढ़ोगे, टिश्यूज के अंदर, तब देखेंगे हम एपिथेलियम है कौन सा, कोलमनर। कोलमनर मतलब स्तंभ ऊतक, स्तंभ ऊतक बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, कोलमनर सेल्स। इन फॉलिकुलर सेल्स के अंदर क्या होगा, प्रोलिफरेशन, या हम बोल सकते हैं डिवीजन होगा, डिवीजन होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, प्रोलिफरेशन होगा, बहुत सारी सेल्स बन जाएगी। ये देखो, ये बाहर की तरफ जो इतनी मोटी लेयर जो बनी हुई है, ये फॉलिकुलर सेल्स थी जो डिवाइड होके क्या बना रही है, मेम्ब्रेन ग्रेन्यूलोसा। क्या, मेम्ब्रेन ग्रेन्यूलोसा, एक तरह से आपको ग्रेन्यूल की तरह दिख रही है, छोटी 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 बहुत सारी सेल्स बन गई है। कवरिंग किसकी है, जोना पेल्यूसीडा। जोना पेल्यूसीडा के बाहर क्या है, मेम्ब्रेन ग्रेन्यूलोसा, इसके अंदर क्या है, ओसाइट है। अब यहाँ पे थोड़ा ये है कि भाई आप इसे प्राइमरी ओसाइट है वो सेकेंडरी ओसाइट में चेंज हो रहा है, ये कंडीशन है यहाँ पे, प्राइमरी ओसाइट सेकेंडरी ओसाइट में चेंज हो रहा है, इसलिए मैंने ओसाइट नाम दिया है। फिर ये जो मेम्ब्रेन ग्रेन्यूलोसा सेल्स है, ये वाले यहां से लेके यहां तक पूरी, ठीक है, मतलब जोना पेल्यूसीडा जो है इसके बाहर की जितनी भी सेल्स है इनमें क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन मतलब संघनन, ये सेल्स है ये पास पास आ जाएंगी, पास पास आने से क्या होगा, एक लेयर बनेगी, इस लेयर को बोलेंगे थीका इंटरना। ग्रेनुलेसा सेल्स है ये आपस में पास पास आ जाएगी और एक परत बनाएगी, एक लेयर बनाएगी, उस लेयर को क्या बोलेंगे, थीका इंटरना, जो अंदर की तरफ है। और इस थीका इंटरना के बाहर की तरफ फाइब्रस टिश्यूज, जो रेशिये क्या होते हैं, फाइबर के बने हुए टिश्यूज हैं, उनकी एक लेयर बन जाती है, उसे क्या बोलेंगे अपन, थीका एक्सटर्ना। ये देखो बाहर जो मैंने ये लेयर बनाई है, ये लेयर क्या है, थीका एक्सटर्ना, ये वाली। और अंदर जो ये लेयर है यहां से लेके यहां तक पूरी, इसे क्या बोलेंगे हम, थीका इंटरना। यहाँ पे मेन पॉइंट यही है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, थीका इंटरना सेल्स जो है वो एक हार्मोन रिलीज करती है, उसे बोलते हैं एस्ट्रोजन, ठीक है। थीका इंटरना सेल्स जो है, ये लेयर जो है, ये एक हार्मोन रिलीज करेगी, उसको बोलते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। मतलब ओवरी एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज कर रही है, बात वही है, ठीक है। जब ये सेल्स पास पास आएंगी तो बीच में कैविटी बन जाएगी, इस कैविटी को बोलते हैं एंट्रम। कैविटी को क्या कहेंगे हम, एंट्रम। और उस साइड है वो एक इस तरफ, इसे सेकेंडरी साइड कहेंगे, ये उस साइड एक तरफ आके एक तरफ आ जाएगा। उस साइड के नीचे वाली सेल्स को बोलेंगे हम डिस्कस प्रोलिजेरस सेल्स, डिस्कस प्रोलिजेरस। ये क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं कई बार, इसलिए मैं एक टर्म आपको बता रहा हूँ। ये जो नीचे वाली सेल्स को क्या बोलेंगे हम, डिस्कस प्रोलिजेरस सेल्स। और इसके ऊपर जो ये एक स्ट्रक्चर बनी हुई है, एक उभार बना हुआ है, इसे बोलेंगे हम क्यूमुलस ऑफोरिकस, क्यूमुलस ऑफोरिकस, ठीक है। तो ये नाम आपको याद करना है, रखना है। और ये पूरी जो स्ट्रक्चर बन गई, इस पूरी स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे हम, ग्राफियन फॉलिकल। ये जो स्ट्रक्चर है ये एक मेच्योर फॉलिकल बन गया, ग्राफियन फॉलिकल। मतलब जैसे पहले क्या बना, प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर ये वाला टर्शियरी फॉलिकल, और टर्शियरी के बाद ग्राफियन फॉलिकल। ये एक मेच्योर फॉलिकल है, फॉलिकल मतलब हिंदी में पुटक बोलते हैं इसको, ठीक है, फॉलिकल सही टर्म है वैसे, मतलब याद करने के लिए फॉलिकल बोल लो। अब क्या है आगे, ये जो सेल है इसे क्या बोलेंगे अपन, रेड कलर में जो कवरिंग है ये कहते हैं जोना पेल्यूसीडा। और ग्राफियन फॉलिकल अंदर क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर होता है सेकेंडरी ओसाइट, ठीक है। सेकेंडरी ओसाइट, यहाँ प्राइमरी ओसाइट था, डिवीजन हुआ, सेकेंडरी ओसाइट बना। आगे जब आप ऊजेनेसिस पढ़ोगे तो दोनों चीजें क्लियर हो जाएगी, ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ऊजेनेसिस और स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। एक्चुअल में
ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये जो मेच्यूरेशन हो रहा है या प्रोलिफरेशन जो हो रहा है, ये जो चेंजेस आ रहे हैं, ये ही है। लेकिन इस बार सिर्फ हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, अगली बार हम सिर्फ इनके फंक्शन या इनके जो चेंजेस हैं वो पढ़ेंगे ऊजेनेसिस के बारे में। ठीक है, क्या बना ये सेकेंड ओसाइट, बाहर कवरिंग जोना पेलुसिडा। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जोना पेलुसिडा है, इसकी सेल्स इलोंगेटेड हो जाती है और अब इसे क्या कहेंगे हम, कोरोना रेडिएटा। क्या कहेंगे, कोरोना रेडिएटा। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है तब से लेके 14 डेज तक, ठीक है, 14वें दिन, ये ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट ये है, 14 डेज पे क्या होता है, ये जो ग्राफियन फोलिकल है ये रप्चर्ड हो जाती है, टूट जाती है। ठीक है, जैसे ग्राफियन फोलिकल था ये टूट जाएगा, और टूटने से क्या हो जाएगी, ये जो ओसाइट है, देखो आपने डायग्राम तो बना ही लिया होगा, थोड़ा समझा देता हूं मैं, ये रप्चर हो जाएगा, इसे टूट गया, टूटते ये जो स्ट्रक्चर बाहर आ जाएगी। ठीक है, अंदर क्या है इसके, सेकेंडरी ओसाइट, ये कवरिंग क्या है, कोरोना रेडिएटा, ये जो है ये कवरिंग है इसकी, कोरोना रेडिएटा, और ये क्या है इसका, सेकेंडरी ओसाइट। ये स्ट्रक्चर टूटने से बाहर आ, ग्राफिन फोलिकल रप्चर हुआ 14 डेज के बाद, ये ऑन द 14 डेज, मतलब 14वें दिन ही होता है ये, तो क्या होगा, ये बाहर आ गया, बचा क्या, ये वाला स्ट्रक्चर, ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसे कैसे बच गया, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना और कुछ फ्लूड जैसे लिक्योर फोलिकल, ये बचा हुआ लिक्योर फोलिकल तो इस स्ट्रोमा में मिक्स हो जाएगा, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना की सेल्स जो हैं ये बनाती है क्या, कॉर्पस ल्यूटियम, एक स्ट्रक्चर बनाएगी, इसे बोलेंगे हम कॉर्पस ल्यूटियम। दोबारा समझाता हूं, ग्राफियन फोलिकल है ये ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होते ही वो साइट बाहर निकल आएगा जिसके आउटर कवरिंग है कोरोना रेडिएटा, और ये सेल्स है ये क्या बनाती है, एक स्ट्रक्चर बनाएगी मिलकर, इसे बोलेंगे हम कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, ल्यूटियम क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये एक तरह से येलो पिगमेंट होता है इसके अंदर, ल्यूटीन, इसमें येलो पिगमेंट होता है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम, कॉर्पस ल्यूटियम, पीले कलर की संरचना आएगी। ठीक है, पीथ बिल्ड बोलते हैं हिंदी में, और ये जो ओवम है ये रिलीज हो जाएगा, एक्चुअल में ये ओवम क्या है, सेकेंडरी ओसाइट है, इसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ओसाइट, अलग हो गया, सेकेंडरी ओसाइट अलग हो गया, और ये बनाएगा क्या, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन क्या है, ये एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड काम करती है, मतलब ये क्या करेगी, हार्मोन को रिलीज करेगी। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन मेनली तो क्या करता है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करेगा, इसके अलावा ये एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, इनहिबिन, ये तीन हार्मोन को भी रिलीज करती है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने लायक बात यही है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये इसका जीवन काल कब तक है, मतलब कब तक ये ऐसे बनी रहेगी, कब तक ये काम करेगी। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि फर्टिलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ, मतलब जो उस साइट है ये रिलीज हुआ, अगर स्पर्म से कांटेक्ट हो जाता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट बन जाता है, तब इसकी जरूरत पड़ती है, मतलब अगर फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट है तो कॉर्पस ल्यूटियम 9 महीने तक ऐसे कैसे बना रहेगा। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन एबसेंट है तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम, मान लो कॉर्पस ल्यूटियम बना ये वाला, सपोज ये कॉर्पस ल्यूटियम बन गया इससे, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम, तो अगर एबसेंट है तो फिर ये इस तरह से एक छोटी सी स्ट्रक्चर बनाएगा, मतलब डीजनरेट हो जाएगा, ये टूटता जाएगा, खत्म होता जाएगा,
और एक स्ट्रक्चर बनेगी, इसे बोलेंगे हम कॉर्पस एल्बिकेंस। क्या कहेंगे? कॉर्पस एल्बिकेंस या व्हाइट बॉडी। ये क्योंकि इसके अंदर पिगमेंट तो होता नहीं है, तो ये व्हाइट कलर का होगा, इसलिए इसे व्हाइट बॉडी कह देंगे, कॉर्पस एल्बिकेंस। चलो लाइट भी गई, कोई नहीं। तो दोस्तों टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, कॉर्पस एल्बिकेंस है वो वापस स्ट्रोमा मिक्स हो जाएगा, और सॉरी कॉर्पस एल्बिकेंस है ये थ्रू वेजाइनल रूट बाहर आ जाएगा, मतलब जो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट मीन्स कॉर्पस एल्बिकेंस का कुछ पार्ट जो है वो बाहर रिलीज हो जाएगा या ओवरी बना रहेगा ये मानते हैं अपन, और जो यूट्रस है उसके अंदर भी चेंजेज आएंगे और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, इसे बोलते हैं हम मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, फिर नया मतलब क्या बोलते हैं, नई साइकिल स्टार्ट होगी। तो देखो दो टॉपिक, तीन टॉपिक हैं, एक तो स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी जो पढ़ा आपने, एक ओजेनेसिस और इसके बाद है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये तीनों टॉपिक आपस में इंटर रिलेटेड है, ये ध्यान रखना। तो तीनों टॉपिक एक साथ क्लियर भी होंगे। चलो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आपका बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए। थैंक यू।